नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपेश यादव। और इन दिनों आपको पता होगा कि काफ़ी कबूतर मर रहे हैं। मतलब जब आप कबूतर अपना रात में बंद करते हैं और सुबह आप अचानक से देखते हैं कि उसकी मौत हो जाती है, तो ये गर्मी है, इतना टेम्परेचर है, क्योंकि आप जब सुबह अपना कबूतर उड़ाते हैं और वो लौट कर जब आता है तो देखा होगा आपने कि वो साइड में आके बैठ जाता है। मतलब पूरा कबूतर सुस्त हो जाता है, तो उसका जो स्टेमिना है उड़ने का और जो उसकी बॉडी का जो डिहाइड्रेशन हो जाती है, मतलब तो गर्मियों में जब टेम्परेचर आपका 47-48 समथिंग जा रहा है, 44 जा रहा है, तो जो कबूतर की उड़ान का, मतलब गर्मियों में जब आप कबूतर उड़ाते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है, जो उसका बॉडी का पानी की जो बॉडी को नीड होती है, तो उसकी डिहाइड्रेशन के कारण उसकी मौत हो जाती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आपका जो कबूतर उड़ के आए तो उसके जो मतलब उड़ाने से पहले एनर्जी थी वही वापस आएगा, तो वही एनर्जी वापस उसके उड़ने के बाद भी रहेगी। तो बहुत बढ़िया, वीडियो में बने रहें, वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, जिससे कि आपको इससे पता चलेगा कि आपके कबूतर का स्टेमिना कैसे बढ़ाए। तो देरी न करते चलते हैं। आपको अपने कबूतर के लिए, जैसे कि आपको अपने कबूतर में कुछ नहीं करना है, एक पानी में ही मिला के आपको देनी है। पानी में आपको हाफ चम्मच जीरा और हाफ चम्मच सौंफ, जो वाइट वाली सौंफ होती है जो अपन भी खाते हैं, तो वाइट वाली सौंफ और हाफ चम्मच जीरा, दोनों हाफ हाफ लेनी है और रात में पानी में सोख करके रख देनी है। मतलब आप जब रात में अपने कबूतर शाम को बंद कर देते हैं, उसके बाद आप एक कटोरी में रात में जीरा और सौंफ दोनों को रख देना है पानी के अंदर और रात भर उसे सोख होने दें। उसका जो पानी रहेगा, उसका जो पानी आप सुबह जब अपने कबूतर नेक्स्ट डे उड़ाना चाहते हैं, तो जैसे कि 5 बजे आप अपने कबूतर 6 बजे उड़ाते हैं, तो आप 1 घंटे पहले अपने कबूतर खोल लें। 1 घंटे पहले आप अपने कबूतर खोलने के बाद उसको देखें कि इसमें से कोई कबूतर बीमार तो नहीं है। अगर बीमार है तो उसका अलग से रखकर, उसको अलग अलग से बॉक्स में रखकर उसका ट्रीटमेंट करें, उसको ना उड़ाएं उस दिन। और जो कबूतर आपके उड़ने के लिए तैयार है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपने रात में जीरा और सौंफ का पानी बनाया था, उसे आप 5 से 6 सीसी आपको 1 से 1.5 लीटर पानी में मिलानी है और आपने उड़ने से पहले अपने कबूतरों को पिला देनी है, जो भी आप अपने कबूतरों को उड़ाना चाहते हैं। ठीक है, आप खुद देखेंगे जब आपका कबूतर उस पानी को पी के उड़ने जाएगा, और जब आप उसको खुद ही नोटिस करेंगे कि जब वो कबूतर आपको वापस लौट के आता है, चाहे वो 10 बजे आए या 4 घंटे उड़ता है, 6 घंटे उड़ता है, आपने खुद देखना है, खुद नोटिस करना है कि आपका जो कबूतर है वो मतलब गाइस फुल एनर्जी रहेगी उसमें, जो मतलब उड़ाते समय सुबह रहती है वही एनर्जी आपके लौटने में आएगी, और क्योंकि उसकी बॉडी में कोई भी डिहाइड्रेशन नहीं होने वाला है। और काफ़ी बार आपको ये भी पता होगा कि कबूतर जैसे कि आपने उड़ाया, उड़ के जब लौट के आता है उसकी बॉडी तो वैसी मतलब प्रॉब्लम हो जाती है उसकी बॉडी में, मतलब उड़ने का स्टेमिना चला जाता है उसका, तो आप में उस पानी में आपको ORS भी मिला देनी है। ORS आपने देखा होगा बच्चों के लिए आता है, तो उसमें क्या है ना, गर्मियों में आपको ORS तो पानी में रोज़ का एक टाइम आफ्टरनून में देना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके कबूतर में जो भी बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है या पानी की कमी हो रही है, तो वो पानी की कमी को दूर करेगा। एक तो गाइस ये इलाज है। काफ़ी बार आपको ये भी पता होगा कि आपका गर्मियों में कबूतर खाना नहीं पचा पा रहा है। खाना क्या करता, खाता तो है वो, ज़्यादा भी खा लेता है, ज़्यादा खाने के कारण उसका खाना जो होता है उसके चेस्ट में भरा रहता है। तो गाइस आपको मैं इसका भी एक बहुत अच्छा इलाज बताऊँगा, आपको क्या करना है कि जिससे कि आपके कबूतर कोई भी चीज़ खाएगा कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। अगर आप ये पानी में मिलाकर देते हैं, जो मैं आपको दवाई बता रहा हूँ अभी कि, तो ये पाचन की दवाई है, आपके कबूतर को मतलब कोई भी चीज़ आप खाने को देते हैं तो पचा लेगा। काफ़ी बार आपको पता होगा गाइस कि जो बाहर के कबूतर होते हैं, जो मतलब नेचर वाले होते हैं,
उनको पता होता है कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो यही दिक्कत आती है गाइस कि जो अपन कबूतर पालते हैं, जो अपने घर के पले होते हैं, वो हम पर डिपेंड होते हैं। मैं उनको क्या खिला रहा हूँ वो वही खाते हैं, है ना। तो काफ़ी बार गर्मियों में इंसानों में इतनी दिक्कतें होती हैं गाइस कि अपन खाना नहीं पचा पाते हैं, तो वही वो तो जानवर हैं, पक्षी हैं, तो आपको भी उनका बड़ा ध्यान देना है। तो उसमें क्या करना है मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। आपको 1.5 लीटर पानी लेना है, ठीक है। 1.5 लीटर पानी में आपको हाफ चम्मच अजवाइन आपने देखा होगा, अजवाइन लेनी है, और 3 चुटकी आपको पुदीना का पाउडर। आपको कोई भी ग्रोसरी में आइटम में मिल जाएगा, ग्रोसरीज की शॉप जाएंगे तो आपको पुदीना का पाउडर मिल जाएगा। तो पुदीना का पाउडर आपको लेना है 3 चुटकी, और उसके बाद हाफ चम्मच आपको सौंफ लेनी है। आपको हाफ चम्मच अजवाइन, फिर से बता देता हूँ मैं, हाफ चम्मच अजवाइन, 3 चुटकी आपको पुदीना का पाउडर, और हाफ चम्मच आपको लेनी है सौंफ। हरड़ आती है, एक साबुत हरड़ बोलते हैं जैसे, है ना गाइस, साबुत हरड़ आती है, उसको आपको कूट लेना है, उसका पाउडर फॉर्म में बना लेना है। आपको पनवारी की दुकान पे आराम से मिल जाएगा। आप पनवारी की दुकान से लेके आए साबुत हरड़, उसको आप कूट लें, उसका एक पाउडर बना लें। और आपको दालचीनी लेनी है 3 इंची, दालचीनी देखी होगी आपने, एक लकड़ी के फॉर्म में रहती है, तो वो आपको 3 इंची लेनी है। इन सबको आपको पानी में उबाल लेना है, 1.5 लीटर पानी लेना है। 1.5 लीटर पानी में आपको ये सारे मटेरियल आपको उसमें मिला देना है, स्टफ को, पानी को 1.5 लीटर इतना उबालना है आपको इस सब सामान डालने के बाद कि पानी 0.5 लीटर बचे, जिससे कि उसका पूरा मटेरियल जो रस वगैरह वो सब आ जाए इसमें। और जब पानी आपका 0.5 लीटर बचे, गैस को बंद कर दें। गैस बंद करने के बाद पानी को ठंडा होने दें। जब पानी आपका ठंडा हो जाएगा तो आपको 25 ml 1 लीटर पानी में या 1.5 लीटर पानी में आप 25 ml इस पानी को मिलाकर दें, आपका कबूतर कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा गाइस, ये मेरी गारंटी है। और डॉक्टर नरेंद्र यादव जी हैं, उनका मैं वीडियो भी देखता हूँ, तो वहीं उनका देख के मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आपका कबूतर कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा, डिहाइड्रेशन उसको कभी भी नहीं होगी, क्योंकि सारी बीमारियाँ पेट से ही होती है, आपको भी पता है। जब आपको उसका पेट अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, तो आपका कभी भी कबूतर बीमार नहीं पड़ेगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूं और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।